हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के बारे में और इस रिएक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। उस चैप्टर से ये रिएक्शन आपको वहाँ पर मिलती है। ये वीडियो जो है आपके कमेंट को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो आज हम इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को देखेंगे। तो देखिए, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको क्या क्या जान लेना जरूरी है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है कि इसमें जो है कीटोन्स जो है वो कन्वर्ट होता है एस्टर में इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सी एसिड, और आप पेरोक्साइड भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कीटोन चेंज हो रहा है एस्टर में, तो इसी का हमें देखना है। इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी होता है। जब हम इसके मैकेनिज्म को चेक करेंगे तो वहां पर हमें कई तरह के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट, ये सब जो है स्टेप में हमें देखने को मिलता है। तो आज हमारा ये टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये रिएक्शन कीटोन की है तो ये कीटोन किससे डेरिवेट हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप से। ठीक है, कीटोन किससे डेरिवेट हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप से। और कार्बोनाइल ग्रुप से दो कंपाउंड डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास कीटोन और एक होता है एल्डिहाइड। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पर, दो वैलेंसी तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ले लेता है, लेकिन अगर इस कार्बन की दो वैलेंसी पर एक तरफ हम एल्काइल ग्रुप जोड़ दे और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। एल्काइल ग्रुप मतलब कि जैसे कोई इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ये सब जो है एल्काइल ग्रुप के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिया, तब ये एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो अब ये कहलाएगा यहाँ पर कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कीटोन है ये इस पर सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको यहाँ पर यही बात ही क्लियर कर देता हूँ। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर आपने ये कीटोन है एक हमने ले लिया, यहाँ इसके नीचे जो एक अल्काइल ग्रुप आपने मिथाइल ले लिया सपोज करो, और दूसरी तरफ आपने ले लिया है इथाइल, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट हो गए। दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो उसे हम बोलेंगे ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है, अगर वहीं पर ये दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, मतलब R1 टाइप के है, मतलब जैसे मिथाइल ले लिया, CH3 ले लिया, उधर भी CH3 ले लिया, तब ये सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर R2 ले लेते हैं, मतलब दूसरे टाइप का मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, तब यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल होगा। इतनी बात पता लग गई आपको। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन भी देखा गया। ठीक है, और वो इस पर डिपेंड करता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कितना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जो कि ऑक्सीजन को स्टेबलाइज कर दे। समझ रहे हो, इस चीज को तब आप समझोगे जब आप मैकेनिज्म में जाओगे। ठीक है, तो हम इसे कंप्लीटली मैकेनिज्म में समझेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना बात पता चलेगी, और आपको ये भी पता होना चाहिए जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बराबर शेयरिंग हुई है, लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर माइनस चार्ज कहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा डेफिनेटली, और कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है कार्बन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम कार्बन के यहाँ पर रेस्पेक्ट में ले तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जब आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, कार्बन पर आता है प्लस चार्ज। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम वहीं पर लेते हैं कार्बन की, अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन पर आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन में कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, और वो बॉन्ड ब्रेकिंग जो मैं बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड होगी, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आखिर ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो माइनस किधर शिफ्ट होता है, प्लस किधर शिफ्ट होता है, और ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, वहीं पर जाकर इलेक्ट्रॉन जाकर शिफ्ट होता है। अब हम बात कर लें कि बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में आखिर होता क्या है। तो इसमें हम अगर हम वहां पर एक जो कीटोन होता है,
अब यहाँ पर आप चाहे अल्काइल ग्रुप सिमेट्रिकल ले लें चाहे अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर हम लेने वाले हैं डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको अच्छी तरह से समझाना इस रिएक्शन को, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमने यहाँ पर अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया जो कि रिएक्शन करता है पर ऑक्सी एसिड से, ठीक है, पर ऑक्सी एसिड, या फिर आप यहां पर और लिखकर पेरोक्साइड भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि इसका होता है यहां पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के साथ साथ इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होता है जिसके कारण ये कन्वर्ट हो जाता है एस्टर में, ठीक है, ये जो है एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर इसमें R3 टाइप का भी आपको पेरोक्सी एसिड में R3 टाइप का भी अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा, वो हम मैकेनिज्म में देख लेंगे, डोंट वरी। तो इसमें फाइनली क्या हो रहा है कि आपका जो कीटोन है वो चेंज हो रहा है एस्टर में। अब ये कैसे चेंज हुआ, इसमें आखिर कौन सी रिएक्शन आई, क्या स्टेप हुआ, कैसे कौन सा ग्रुप कैसे जुड़ गया, ये सब हम मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है कि हाइड्रोजन निकला है, देखिए यहां पर इस पूरे कीटोन में कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे, एक, लेकिन एस्टर में जब ये कन्वर्ट हुआ तब ये एक और दो ऑक्सीजन आ गए, मतलब यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसीलिए हमने बोल दिया कि यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आपको यहां पर इतनी बात पता करनी है कि कीटोन का हुआ ऑक्सीडेशन, वो भी पर ऑक्सी एसिड की प्रेजेंटेशंस में, जिसके कारण ये एस्टर में कन्वर्ट हो गया। इसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। बेयर और विलिगर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये इस रिएक्शंस को डिस्कवर किया। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। सो गाइज, हेडिंग डाल लेंगे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आपको इतना समझना होगा, बेसिकली होता क्या है इसमें कि जो कीटोन होता है वो पर ऑक्सी एसिड या परऑक्साइड की प्रेजेंटेशंस में एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें कई तरह के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होते हैं और रीअरेंजमेंट भी होता है, ठीक है, तब जाकर के ये जो कीटोन है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप से डेरिवेट हुआ है और चेंज हो जाता है एस्टर में, ठीक है। अब ये जो आपका है ये ऑर्डर है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा किस तरह से माइग्रेशन ऑर्डर है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमने जो कीटोन लिया है वो अनसिमेट्रिकल लिया है, मतलब यहां पर आप CH3 मान रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको इथाइल ग्रुप मानना पड़ेगा, ठीक है, हमने डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ले लिए हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले देखिए हमने लिया है पर ऑक्सी एसिड। अच्छा, पर ऑक्सी एसिड का क्या मतलब है, आपने सुना होगा पेरोक्साइड। तो जहां पर भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड नजर आए तो वहां पर लग जाता है, ठीक है, पर ऑक्सी लग जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। तो यहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन में नजर आ रहा है, इसलिए आप इसे क्या कहोगे, पर ऑक्सी एसिड, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, कीटोन रिएक्शन करता है पर ऑक्सी एसिड के साथ। अब चूंकि ये एसिड है तो ये अपना H+ लूज करेगा, डेफिनेटली लूज करेगा ये अपना H+। दूसरी तरफ यहां पर जो कीटोन होता है इसके पास होता है दोस्तों लोन पेयर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है इसके पास। तो यहां पर क्या होगा, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये जो कीटोन है ये इस पर ऑक्सी एसिड से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब अलग कर लेता है। तो ये जो H+ है ये जाकर के इसके लोन पेयर की हेल्प से ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाता है। अब जैसे ही इस पर जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होती है वो डबल बॉन्ड बनाने की, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, नॉर्मली दो बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो एक हाइड्रोजन के साथ और दो कार्बन के साथ तीन बॉन्ड बन गए, तो डायरेक्टली इसलिए इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये अनस्टेबिलिटी फील करता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी तरफ देखिए, अब यहां पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब इस पर ऑक्सी एसिड पर ध्यान दे तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ। और स्टार्टिंग मैंने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन आएगी ऑक्सीजन पर आएगा प्लस चार्ज और हाइड्रोजन पर आएगा ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके अंदर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए इस पर इसलिए आ गया माइनस चार्ज क्योंकि इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया।
अब देखिए जैसे इस पर छीनेगा इस पर हो जाएगा 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरी तरफ से माइनस चार्ज है। तो अब ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस को प्यार करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो देखिए अब ये क्या करेगा, तुरंत अटैक करेगा इसमें, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस कार्बन पर। अब देखिए जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ये जाकर के ऐड हो जाता है यहाँ पर, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप कुछ समय के लिए आप ये समझ लो, जैसे ये है और ये ऊपर बॉन्ड बना रहा है OH के साथ और नीचे ये एल्काइल ग्रुप के साथ और यहाँ पर इस वाले एल्काइल, दोनों डिफरेंट। अब ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है। अब ये जाकर के अटैक कर देगा और यहाँ पर एक और बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह तो पांच बॉन्ड बन जाएंगे। तो अब ये बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन की जनरली चार ही बॉन्ड बना सकता है, ये भी कंडीशन है, तो पांच बॉन्ड तो बन नहीं सकता। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये आपको यहाँ पर आइडिया लगाना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने आपको बताया था, कई तरह के कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर, कहीं रेजोनेंस, कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए लोग अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पसंद आया ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया कि भाई सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड को, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है, कमजोर बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, सबसे पहले ब्रेक कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। तो ये कंसेप्ट लगा करके भी आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ब्रेक, अब यहाँ पर ये जो जुड़ने वाला है ये भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन व ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये जैसे ही ब्रेक होगा, तो अब यहाँ पर ब्रेक कौन सा हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। तो ये इसके बीच जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पर आएगा प्लस, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस। अब यहाँ पर पहले से ही ऑक्सीजन पर प्लस है, तो वो माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा और फिर से इसके पास जो है अपनी न्यू कंडीशंस में आ जाता है, ठीक है, और कार्बन पर यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कि जैसे इसका एडिशन होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक्स यहाँ पर एडिशन होगा इस कार्बन पर, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है जिसे हम बोलते हैं एडक्ट ऑफ कीटोन एंड पेरोक्साइड, सॉरी पैरासिड, ठीक है, और इसे हम इंटरमीडिएट सीरीजी बोलते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट सीरीजी। तो यहाँ पर हमने एक इंटरमीडिएट कंपाउंड देखा, और ये कंपाउंड कब बना, जब न्यूक्लियोफिलिक्स एडिशन रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन का, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा था और ये कार्बन पर आकर ऐड हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे मेन स्टेप यही है, और यहीं पर आपको दिमाग लगाकर समझना है, ठीक है, यहीं पर होता है माइग्रेशन का जो सिस्टम है, माइग्रेशन वाला, वो यहीं पर होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे आप एडिशन करोगे ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये OH प्लस यहाँ पर बन गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, मैंने आपको बताया था कि ये बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सिर्फ चार होती है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड आपको ब्रेक होता दिखाई दे रहा है, और ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच भी बॉन्ड बन जाएगा, जिसके कारण ये यहाँ पर पूरी की पूरी स्पीसीज जुड़ जाती है। देखिए R3 R3, ये कार्बन ये कार्बन, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई, अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें होता है रीअरेंजमेंट, मतलब कि ये अपने आप में एक अरेंज होता है और दोबारा से इसमें होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है, किसी अरेंज का दोबारा से अरेंज हो जाना रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब इसमें कैसे होता है रीअरेंजमेंट, देखिए सबसे पहले तो ये जो पर ऑक्सी एसिड है, ये एक एच प्लस अपना फिर से डोनेट करता है, किसे डोनेट करता है, इस वाले ऑक्सीजन को, ये जो पर ऑक्सी वाला जो ऑक्सीजन था यहाँ पर, इसे एच प्लस डोनेट करता है, जिसके कारण ये एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर, कैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अब फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी तरफ ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि इसमें से या तो R1 या R2 में से कोई कार्बन के साथ जो एल्काइल ग्रुप दोनों जुड़े हैं, एक R1 टाइप का एक R2 टाइप का, मतलब कि दोनों डिफरेंट है, इन दोनों में से कोई भी एल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करता है डायरेक्टली, ठीक है। तो R2 से अब ये किस पर डिपेंड करता है, कि कौन सा एल्काइल ग्रुप कितना रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सपोज दैट कि एक तरफ यहाँ पर मैंने मिथाइल ले लिया और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एराइल, तो एराइल माइग्रेट करेगा, क्योंकि आप ऑर्डर देख सकते हैं, यही चीज है आपको समझाने की, सबसे पहले माइग्रेशन ऑर्डर आपके सामने है। अगर टर्सरी एल्काइल, अगर यहाँ पर है टर्सरी एल्काइल और यहाँ पर है
प्राइमरी एल्काइल, तो सबसे पहले माइग्रेट करेगा टर्सरी एल्काइल, क्योंकि आप देख सकते हैं टर्सरी एल्काइल इज ए मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। ये इस ऑक्सीजन को ज्यादा स्टेबलाइज करने की क्षमता रखता है, जो ज्यादा स्टेबलाइज रखने की क्षमता रखेगा वही यहाँ पर माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेशन का पता लग गया कि आपको कौन माइग्रेट करता है, दोबारा आप यहाँ पर कोई कमेंट तो नहीं आएगा कि मतलब सर हमें समझ में नहीं आया, तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो सपोज दैट कि ये जो R2 है ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है R1 से, तो ये क्या करेगा तुरंत इस पर इस ऑक्सीजन पर जाकर के जुड़ जाएगा, जिसके कारण ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये जो बॉन्ड मैंने आपको बता रहा था ये तुरंत यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऊपर की तरफ ये OH जुड़ जाएगा पूरी तरह से, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये इस तरह का कंपाउंड हमको हम देखने को मिलता है यहाँ पर। अब इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, ये तो ब्रेक हो गया, अब ये अलग हो जाएगा यहाँ पर जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बना लेता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा जो कि एलिफेटिक है। देखिए कैसे होगा, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इस पर देखिए एच प्लस जुड़ गया, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन वाला, इस ऑक्सीजन पर H+ जुड़ा यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है ये खिसक करके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, जिसके कारण मैंने आपको दिखा दिया, और ये R3 यहाँ पर अभी पूरी तरह से स्टेबल है, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि एलिफेटिक है। अब हमारा पंगा है कार्बोनियम आयन, दूसरी तरफ यहाँ पर कार्बोनियम आयन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अब इसका होता है डी प्रोटोनेशन। डी का मतलब अभी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी आगे लगता है किसी के आगे, जैसे डी कार्बोक्सिलिक एसिड, डी हाइड्रेशन, डी प्रोटोनेशन, तो डी का मतलब होता है निकलना, ठीक है। किसी चीज का निकलना डी लग जाएगा केमिस्ट्री में, हमेशा ध्यान रखना। जैसे डी कार्बोक्सिलिकेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकल जाना, डी हाइड्रेशन का मतलब वाटर के मोलिक्यूल का निकल जाना, डी प्रोटोनेशन का मतलब कि यहाँ पर प्रोटोन के निकलने की बात हुई है। तो इस कार्बोनियम आयन से ये जो प्रोटोन है ये निकल जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोटॉन जैसे ही निकलेगा ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपना ये H+ के रूप में निकलेगा प्रोटॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा ऑक्सीजन को, और ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। अब इसे हम बोलते हैं एस्टर। तो मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली हमने बना लिया एस्टर। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन या किसी की प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी मैं कमेंट्स में कोशिश करूंगा कि आपके सभी जवाब दे पाऊँ। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि पर ऑक्सी एसिड का H+ जो है इस पर ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद अब इस पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी तीन ही बॉन्ड बनाने की, दो बॉन्ड ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होती है दो बॉन्ड बनाने की होती है, लेकिन यहाँ पर तीन बॉन्ड बन गया इसलिए इस पर प्लस चार्ज। अब दूसरी तरफ जो न्यूक्लियोफाइल बना और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आया, वो जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है इस कार्बन पर जुड़ने के बाद, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है विच इज कॉल्ड एडक्ट ऑफ कीटोन एंड पैरा एसिड। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होते हैं रीअरेंजमेंट। सबसे पहले रीअरेंजमेंट क्या होगा, आर जो है R2 या R1 में से एक माइग्रेट करेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है स्पीसीज है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज कर दे, क्योंकि यहाँ पर तो इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ जाता है कोई ना कोई यहाँ पर, और जुड़ने के बाद ये कार्बोनियम आयन, और दूसरी तरफ इस ऑक्सीजन पर ये बॉन्डिंग शिफ्टिंग होती है, ये वाला बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और H+ आकर जुड़ जाता है। वो H+ कहाँ से आता है, ये पर एसिड से आता है, ठीक है, पेरोक्सी एसिड जब हमने लिया था उससे H+ आता है एक और। सो फाइनली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोनियम आयन अपना H+ लूज करके एस्टर में फॉर्मेशन कर देता है। H+ लूज करना ही डी प्रोटोनेशन कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कैसा लगा, मतलब किस तरह से मेरी जो टीचिंग स्टाइल है इसमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूं मैं, या फिर आपको अगर लगता है कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूं ये समझा करके, जैसे बॉन्डिंग ब्रेक करना, इंट्रोडक्शन देना, तो ये सब आप कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको वहां पर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।